बॉलीवुड की उस हीरोइन ने एक सुपरस्टार से शादी की थी, लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही उसे लग गया कि ये शादी अब नहीं टिकेगी। उस हीरोइन को ये लगने लगा था कि बहुत जल्द उसका पति से तलाक हो जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है डिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने 70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना से बहुत ही धूमधाम से शादी रचाई थी। बहुत ही अरमानों के साथ दुल्हन बनकर राजेश खन्ना के बंगलो आशीर्वाद में पहुंची थी डिंपल कपाड़िया। शादी से पहले उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि राजेश खन्ना के साथ रहना उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, लेकिन जब वो उनकी वाइफ बनकर उनके घर आई तो 7 दिन बाद उनको ये लगने लगा कि उनकी शादी चलेगी नहीं। डिंपल कपाड़िया फिल्म बॉबी से रातों रात स्टार बन गई थी। उस दौर में हर तरफ बस उनके ही चर्चे थे, लेकिन डिंपल ने इस फिल्म के बाद कोई और फिल्म नहीं की। उन्होंने राजेश खन्ना से शादी रचा ली। डिंपल कपाड़िया की मुलाकात राजेश खन्ना के साथ एक फ्लाइट में हुई थी। दोनों ही अहमदाबाद जा रहे थे और फ्लाइट में पूरे टाइम राजेश खन्ना ने उनसे कुछ नहीं बोला था। जब फ्लाइट उतरने वाली थी वो वहाँ से, तब राजेश खन्ना ने उनसे कहा था, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? राजेश खन्ना उस दौर के सबसे बड़े स्टार थे और डिंपल उनको कैसे ना कह सकती थी, उनका वो क्रश थे, तो लिहाजा उन्होंने भी हाँ कर दी। बहुत ही धूमधाम से डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हुई। बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार्स उनके बाराती बने, भव्य रिसेप्शन हुआ और उसके बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया जो है हैप्पीली रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही डिंपल को ये लगा, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनको लगने लगा था कि उनकी शादी चलेगी नहीं और राजेश खन्ना के साथ रहना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। डिंपल और राजेश खन्ना की 2 बेटियां हुई, पहली बेटी उनकी ट्विंकल हुई, दूसरी बेटी रिंके खन्ना हुई। डिंपल कपाड़िया ने अपने पति पे ये आरोप भी लगाए थे कि राजेश खन्ना दूसरी बेटी के जन्म से नाखुश थे, वो एक बेटा चाहते थे और कहीं ना कहीं वो जो है रिंके को ज़्यादा गोद में नहीं लेते थे और ये बात जो है डिंपल कपाड़िया को बुरी लगती थी। साल 1984 तक तो डिंपल और राजेश खन्ना पति पत्नी बनकर रहे। करीब 10 साल तक दोनों की शादी चली और उसके बाद डिंपल कपाड़िया पति का घर छोड़कर चली गई, अपने माता पिता के घर में रहने लगी और फिर से फिल्मों में काम करने लगी। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी करने के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया था, लेकिन बाद में उनको बॉलीवुड की याद आने लगी, उनको फिल्मों में काम करने की ललक जागी और फिर 2 बेटियों की मां बनने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। बॉबी में डिंपल कपाड़िया ने जो जलवा दिखाया था उससे कहीं ज़्यादा हॉट अवतार में वो 80 के दशक की फिल्मों में नज़र आने लगी। कहीं ना कहीं राजेश खन्ना उनसे नाराज़ रहने लगे और उन्होंने एक बार तो ऋषि कपूर को डिंपल कपाड़िया को बॉलीवुड में आने के लिए प्रोत्साहित करने पर जो है उनके प्रति बहुत नाराज़गी जताई थी। डिंपल कपाड़िया ने मंजिल मंजिल फिल्म में सनी देओल के साथ काम किया और इसी फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया था। डिंपल कपाड़िया चाहती थी कि सनी देओल अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वहीं डिंपल ने भी अपने पति राजेश खन्ना को कभी भी तलाक नहीं दिया, दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ। हालांकि बाद के दिनों में जब दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी कह सकते नॉर्मल हुआ, तब वो अपने पति से मिलने जुलने लगी और जब राजेश खन्ना राजनीति के मैदान में आए या फिर वो जय जय शिवशंकर उनकी एक फिल्म बन रही थी, उस दौरान डिंपल कपाड़िया उनके घर भी आया जाया करती थी। एक बार जय शिवशंकर फिल्म के बाद राजेश खन्ना जो है अपनी घर की बालकनी में प्रेस से और अपने फैंस से मिलने वाले थे, तब राजेश खन्ना को डिंपल कपाड़िया ने सजेशन दे दिया था कि आप अपना साइड प्रोफाइल जो है फैंस की तरफ रखिएगा, उसमें आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं काका जी। ये बात राजेश खन्ना को बहुत नागवार गुजरी थी और उन्होंने डिंपल से ये कहा था कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किस तरह से जनता के सामने पोज देना है। और इसके बाद से वो थोड़े नाराज़ हो गए, तो अब डिंपल कपाड़िया ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। बाद के दिनों में डिंपल और राजेश खन्ना के रिश्ते ऐसे नहीं थे कि वो पति पत्नी के तौर पर साथ रहने लगे थे, लेकिन वो उनके घर आना जाना करने लगी थी। साल 2012 में पता चला कि राजेश खन्ना कैंसर के शिकार हैं, उनको गले में कैंसर था और इस वजह से जो है उनका वजन अचानक से गिरने लगा था।
उनका ट्रीटमेंट भी चला लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और उनके आखिरी दिनों में डिंपल कपाड़िया उनके साथ रहीं, उनका उनकी देखभाल करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं राजेश खन्ना ने भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है अपनी दोनों बेटियों के नाम की और डिंपल को उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं राजेश खन्ना डिंपल से हमेशा नाराज़ रहे, उनको ये लगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आईं वो डिंपल की वजह से आईं, क्योंकि ऐसे समय में जब उनको डिंपल की ज़रूरत थी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था।